चलिए भाई लॉक एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कौन सा सिक्स सिक्स से पहले और कोई सेकंड बेटा बातें नहीं आप मैं बहुत बुरी तरह डांटूंगा ये देखो मैं किसी को नहीं देखता सब बराबर है मेरे लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कशन बाद में पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट पी क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहे हैं राइट एंगल एट पी And M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Prove that PM square equal to QM. देखो क्या प्रूव करना है PM square equal to QM multiplied by MR. अब इसमें क्या करना है समझना इसमें एक ट्रिक लगेगी ये 90 डिग्री है ये थीटा है सब वही एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बोलो 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा अब यदि ये 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्री है आपका तो ये कितना होगा और ये कितना होगा समझ में आया क्या बोला मैंने दोबारा बता रहा हूं अभी समझना ध्यान से मैंने क्या बोला ये आपका 90 डिग्री है यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये 90 है ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना बचा और यदि ये थीटा है तो ये कितना बचा बनाओ उसको लिखो हो गया बस अब इसके आगे करते हैं बात इन ट्राइंगल पीएमआर पहले तो ये लिखो लेट सॉल्यूशन इस तरह से लिखेंगे भाई लेट पी आर एम एंगल पी आर एम इक्वल टू थीटा सो देयरफॉर एंगल क्यूपीएम इक्वल टू थीटा ये दोनों एंगल थीटा बस एक एंगल इक्वल बताना था मुझे एंगल पी आर एम इक्वल टू थीटा तो एंगल क्यूपीएम भी क्या होगा थीटा होगा एंगल क्यूपीएम इक्वल टू थीटा नाउ इन ट्राइंगल पीएमआर इन ट्राइंगल पीएमआर सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूं भाई एंड ट्राइंगल क्यूएमपी बेटा मौलिक यस सर अभी कंगना यस सर मैं सोच रहा हूँ कि एक है ना इनविटेशन कार्ड छपवा लूं और उसमें लिख के भेज दूं कि आपको भी होमवर्क करना है ऑनलाइन वालों को सर मैंने करा है होमवर्क फिर मुझे कैसे पता जंगल में मोर नाचा किसने देखा सर सर मैंने करा है मैं भेजना भूल गया अभी भेज दूं क्या हाँ हाँ भेज देना क्लास के बाद तो जब तक आप मुझे नहीं बताओगे जब तक मुझे कैसे पता चलेगा चलिए एंगल क्यू एम पी एम आर एन एंगल क्यू एम पी पहला एंगल एंगल पी एम आर इज इक्वल टू एंगल क्यू एम पी ईच 90 डिग्री एंड एंगल पी आर एम इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम ठीक है ईच इक्वल टू थीटा कौन सा क्राइटेरिया लग गया एंगल एंगल क्या होगा सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रेंट होगा सिमिलर एंगल एंगल किसमें लगता है सिमिलर टू सो देयरफॉर बाय ए सिमिलर टी
कैसे लिखेंगे ट्राइंगल एम आर बचा पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एम पी बचा क्यू. एम आर पी एम पी क्यू. अब देखो उधर एम आर चाहिए था क्या चाहिए. एम आर के साथ कौन आ रहा है इधर एम पी. पी आर चाहिए क्या नहीं चाहिए छोड़ दो. पी एम अपॉन क्यू एम. मुझे लग रहा है यही प्रूव करना था हमें. बोलिए. अरे क्या यही प्रूव करना था. यस सर. यस सर. लिख लीजिए. इस तरह से होगा ये प्रॉब्लम. अच्छी प्रॉब्लम है. लिख लीजिए. स्टूडेंट्स आ रहा है. आ रहा है तो बढ़िया बात. कैसे एक सेकंड में देख लेता हूँ यार. मेरे तो जो दिमाग में आया मैंने बता दिया यार. पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर. और इधर आ गया आपका पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर. पी एम स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दिया. कैसा आया था. देखिए यार ये तो तेने कहीं से कॉपी किया. क्या बात कर लिखवा के मेरे से लिख के ले ले. साइन कर दूंगा. क्या पेन दे. कॉपी किया है ये मैंने साइन लिख दिया. और उसको तू चैलेंज करवा सकता है. 100% 100 नहीं मैं 200% बोल रहा हूँ. अब तो बोल दे हाँ या ना. बस बेटा जो भी काम करो अपने दिमाग से करो. नहीं आया मुझसे पूछो. प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. देख के करोगे जिंदगी भर में समझ में नहीं आएगा कि आपने करा क्या. मैं तेरी नहीं मैं सबकी तरफ देख रहा हूँ. जिंदगी भर में नहीं समझ में आएगा कि आपने करा क्या. वो तो मैं देख के मैं तो क्वेश्चन का आंसर देख के बता सकता हूँ कि इसने क्या किया क्या नहीं. और ये तुम्हारे साथ नहीं है. 11 12th साल वालों के साथ ही होता है. 12th वाला जब टेस्ट देता है टेस्ट देके ये बोलता है सर ये मैंने ये किया. मैंने कि कॉपी किया है. तो वो भूल आना जल्द मतलब वो भूल के भी नहीं कर सकता आना चीटिंग कर ले. मुझे तो देख के पता लग जाएगा तेने चीटिंग की. क्योंकि होता क्या है कि जो गूगल और इस पे जो भी आंसर होते हैं ना वो बड़े बड़े स्टाइल में दिए होते हैं. अपना मेथड क्या है. अपना रिफाइंड मेथड. रिफाइंड मतलब बिल्कुल सिंपल जिसमें कोई जिसमें जो एक जनरल स्टूडेंट है वो अपना दिमाग लगाएगा. वैसे भाई मेरा दिमाग क्या कहता है तुम्हारा दिमाग क्या कहता है वो वाली बात. अब वो देख के मेरे को पता लग गया कि ये तो दिमाग कह ही नहीं सकता. बच्चों का दिमाग इतना कह ही नहीं बोल सकता. मेरा दिमाग बोल सकता ही. मैं करता तो मैं कर देता हूँ. इतना दिमाग तो कोई करेगा नहीं. चलो कोई बात नहीं. लेकिन आपका रिक्वेस्ट है कि ऐसा काम मत करो. ये ज्यादा इजी कुछ नहीं करना. डायरेक्ट आपको दोनों को सिमिलर करना है आपका काम आएगा. अच्छा आपको लगे कि सर हमें कैसे पता लगा इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है. ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ कैसे बताया था. पी एम स्क्वायर ये प्रूव करना था ना तुम्हें. पी एम इंटू पी एम क्यू एम इंटू एम आर किसी एक को इधर ले आओ. एम आर अपॉन पी एम बताओ कौन सा ट्राइंगल बना. पी एम क्यू ये रहा पी एम क्यू. दूसरा कौन सा ट्राइंगल बना. पी एम
अब पीएमक्यू और पीएमओ, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना, सिंपल सी बात। और जितनी भी सिमिलरिटी वाली इस तरह की प्रॉब्लम होगी ऐसे ही क्या करो, जो मैंने समझ में आ गया। बेटा नहीं आए 10 बार पूछो, मैं बताने में कभी मना नहीं करूंगा प्लीज, लेकिन कहीं से आंसर कॉपी करके मत लाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आज के बाद कॉपी करके मत लाना, चाहे नहीं आए मैं 10 बार बता दूंगा। कॉपी करके आने का मतलब है क्या होता है मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें आती है जहां से आप कॉपी कर सकते हो, एनडी आती है, मैं बताऊं तुम्हें, नंदराम दयाराम एनडी, एनडी क्या होता है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की कॉपी होती है। जब मैंने, तुम मानोगे नहीं, आज से 3 साल पहले की बात है, 11th क्लास की कम से कम 10 एनडी जलवाई थी बच्चों से मंगवा दो, मैंने कहा जला दो उसको, मैंने कहा जब तक तुम इसका सहारा लोगे आपको मैथमेटिक्स कभी नहीं, मैथमेटिक्स तभी आएगी जब आप अपने दिमाग से करो, देख के करोगे कभी नहीं आएगा, आपको लगेगा हाँ यार ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक, लेकिन दोबारा जब आपसे दिया जाएगा ना वो क्वेश्चन, जिंदगी भर में कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, ये होता है। अपने दिमाग से करोगे तो कभी भी कर लोगे। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे थे है? चलो 6th पूछा ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, अच्छा नहीं लगा लेकिन मुझे, प्लीज आगे से मैं नाराज नहीं हो रहा, लेकिन आप चीजों को ध्यान रखना। टू ए टू ए टू ए फाइंड द एल्टीट्यूड, तो हमें इसका एल्टीट्यूड निकालना, कुछ नहीं पता है यहां से क्या डाल दूंगा, परपेंडिकुलर, और यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो बेटा बताया था ना ये दोनों साइड इक्वल है तो बी डी ये क्या होगा, BD की वैल्यू क्या आ गई, A आ गई, इसमें क्या लगा दोगे, ये आपका एल्टीट्यूड है H, H की वैल्यू निकालनी है बस, पाइथागोरस थ्योरम बस आ गया। इन ट्रायंगल ABD, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर 2A का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर H स्क्वायर, हाइट एल्टीट्यूड निकालना है, BD A स्क्वायर, 4a square equal to h square plus a square, h square equal to 4a square minus a square equal to 3a square, so what is the value of h, क्या यही आ रहा था altitude, yes sir, लिख लीजिए, height is equal to altitude is equal to root 3a unit, this is the altitude, ये हमारा altitude की value आ गई, कॉपी कर लीजिए। बेटा मेरी पानी की बोतल उधर रखी, कुछ लेकर आना, और कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 12, बेटा डाउट तो कितने भी पूछो, डाउट की दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन क्या है कि यार अब मुझे, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, तुम बोलोगे सर ने समझा दिया, लेकिन ये चीज समझानी जरूरी है तुम्हें, हमें पता नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं, हम देख कर, जैसे उसने भी, इसने भी उस दिन बोला कि मैंने देख के ऐसे लिखा था, याद है ना, तो वो देखने से पता लग जाता है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा मतलब देखा होगा, जितना इजी फॉर्म में लिखा होगा मतलब खुद का मेथड, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा नहीं है कि जो हम इतना सोचते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, देखो ये रहा प्लेन ग्राउंड 6 मीटर
11 मीटर, ये टू पोल है, ठीक है। 12 मीटर देख लेते हैं, अभी 12 मीटर होगा तो 12 कर देंगे भाई, मेरे में तो 11 ही है, तेरे में 12 होगा तो ऊपर बिना फालतू में भेज रहे। द डिस्टेंस बिटवीन द 12 मीटर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस 12 मीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। अब स्वामी एक बार बताइए मुझे, इनको नामकरण संस्कार कर दें, चलो अपन ए बी सी डी या, अब कैसे करेंगे समझ। बस बस हो गया, बिल्कुल यही करना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ड्रॉ ए पैरेलल टू बी डी, तो ये 12 मीटर हो गया, अब समझना ये 6 है, ये टोटल 11 है, तो यहां पर 11 माइनस 6 हो गया, कितना हो गया, अब तो बेटा एसी की लेंथ निकल जाएगी ना, तो इन ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ए ई सी, चलो डांटने का कुछ तो फायदा होता है, चाहे कैसे भी होता, चाहे किसी से पूछ के हो चाहे कैसे भी हो, लेकिन उसको आ गया कुल लगेगा। अरे मैंने मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला कि तेरे ने पूछा, यदि कैसे भी आया लेकिन आ गया, मैंने ये नहीं बोला कि तेरे कहीं से पूछा या नहीं किया, मैंने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने ये बोला तेरे को आ गया। 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, 13 मीटर, लिख लीजिए। भाई ये आखिरी सांसे गिन रहा है, परसों तक कंप्लीट हो जाएगा ये ट्रायंगल्स, बस परसों लास्ट है, मतलब मंडे से आपका रिवीजन स्टार्ट है, यदि संडे को थोड़ा बहुत बचा तो मंडे को मैं क्या करवा दूंगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मंडे ट्यूसडे तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, बाकी के पिछले चैप्टर जो तुम बोलोगे पहले वो पढ़ाऊंगा तुम दोनों, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फिर घर भेजा था जब क्या करा था तुमने। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1, 2, 3, एक मिनट ले, गजब करता है यार, 1, 2, 3, 3 के बाद लिखो 6, 7, 8, 12 और 15, ठीक है। अब मैंने कौन सा नहीं करवाया, 7, बाकी सब करवाया, ठीक है, और 7 भी आपके मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगा, तो काम खत्म और रिवीजन चालू। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर, भाई एक बार एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 बोल रही है बेटा ये, तो पहले इसकी सुन ले फिर उसके बाद अपने आप की सुनेंगे। 6.3 क्वेश्चन नंबर 15, और वर्टिकल पोल, वैसे ये भी वही है बेटा, हैं? हाँ हाँ बताएगा, मैंने क्या बोला, जो भी पूछेगा बताएंगे। अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर, ये वर्टिकल पोल है, ये 6 मीटर, हाँ मेरे को रोना आएगा, सही बता रही, तू मुझे रुलाएगा आज। फोर मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, अच्छा अच्छा अच्छा
ये 28 मीटर ए बी सी डी ई एट द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट अ शेड ऑफ 4 मीटर ऑन द ग्राउंड और इसको एक्स मान यही है ना बेटा। अब बता ये दोनों ट्राइंगल बताया था ना ये ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है एन ट्राइंगल ए बी सी एन ट्राइंगल डी ई सी ए कहां से कॉमन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी ईच और एंगल सी इज इक्वल टू कॉमन कौन सा क्राइटेरिया लगा बाय ए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी यहां तक कोई दिक्कत तो ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई सी ए बी की वैल्यू 28 डी की वैल्यू 6 बी सी की वैल्यू एक्स प्लस 4 और ई सी की वैल्यू 4 आया आया अब x प्लस 4 इक्वल टू 28 इंटू 4 बाई 6 बोलो फिफ्टी सिक्स बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री मीटर यही आ रहा है क्या कितना आ रहा है आंसर 42 अरे रुक तो जा मैंने कहीं गलत किया है कि 28 नहीं की मैंने की अरे एक मिनट क्वेश्चन देखने दो अरे रुको 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 अरे कोई नहीं बोलेगा अच्छा उल्टा है क्या यार कोई बात नहीं यहां से चेंज कर दूंगा मैंने कुछ उल्टा देख लिया था मेरे को लगा कि हाइट की बनी हाइट नहीं काम ये 28 था भाई टोटल उल्टा भी देख लो मेरी अम्मा तो क्वेश्चन अलग है अरे सुन तो ले यार रुक तो जाना अरे टेन थीटा से करवाया हो अरे यार तू ये वाला क्वेश्चन की बात कर रही है लड़की यार इसकी बात कर रही है ना तू तो बेटा एंगल या तो ट्रिग्नोमेट्री से करो एक मिनट तू निकाल मैंने कैसे करवाया बोलने दो उसको क्या हो गया मैं यही तो बोल रहा हूँ ऐसे कैसे करवाए दो तरीके है भाई करने के या तो ट्रिग्नोमेट्री अभी देखना ट्रिग्नोमेट्री से कितनी जल्दी होगा नहीं ये भी बढ़िया है ट्रिग्नोमेट्री से भी बढ़िया होगा देखो ना अभी ये आ गया समझ में ए बी मैंने एक्स मान लिया डी कितना बी डी कितना है 6 बी सी कितना है 28 और ई सी कितना है 4 42 मीटर आया सपोज आपको ये नहीं लगाना इसको एंगल थीटा माना बोलो टेन थीटा बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस छोटे वाले ट्राइंगल में टेन थीटा बोलो लो कुछ करने की जरूरत ही आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर रहे हो वहां पर कोई लिखा हुआ थोड़ी आएगा भाई ज्योमेट्री तो टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन सॉरी हाँ ए बी अपॉन बी सी और टेन थीटा इक्वल टू डी अपॉन ई सी और उसको वैल्यू रख दो लिखो ये भी लिखो सभी लिखेंगे ये बाय ट्रिग्नोमेट्री
टीनो ऑनलाइन, ये भी लिखना बाय ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। और कोई है पीछे? फिर से पूछो तनुज जी, पक्का? चलिए भाई, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 इसको देखते। क्वेश्चन नंबर 11, हटा दें क्या? यस सर। क्या 6.5 क्वेश्चन नंबर 11 एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ। देखो इधर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम पोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट। एक एरोप्लेन इधर की तरफ गया, एक एरोप्लेन इधर की तरफ गया, एक नॉर्थ की तरफ गया और एक वेस्ट की तरफ गए। हाउ फार विल बी द टू प्लेन आफ्टर हाफ 1.5 आवर। ये डिस्टेंस निकालनी है दोनों। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ओ ए बी, इसको मैंने मान लिया एक्स और इसको मान लिया वाई। डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स, दिस इक्वल टू स्पीड कितनी पहले वाले एरोप्लेन की? 1000 किलोमीटर पर आवर × 3/2, 1500 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत? इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया भाई, डे है ना, 3 1/2 आवर में 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स, वाई इक्वल टू कितना है स्पीड? 1200 × 3/2, 1800 किलोमीटर। ये एक्स और वाई आ गया। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है ए बी। क्या निकालनी है डिस्टेंस? ए बी। ए बी डिस्टेंस √ एक्स स्क्वायर प्लस, अरे पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा ए बी? अरे यार, इन ट्राइंगल ए ओ ए बी, ऐसे लिख लो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो ए बी इक्वल टू √ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना है? 1500 का होल स्क्वायर प्लस, बेटा 1500 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 40। और 18 स्क्वायर का 3 40। बेटा ये 40 के बाहर आके कितने जीरो आएंगे? 2 0। तो 225 + 324
549 अप्रोक्सीमेटली पॉइंट में दे रखा है क्या देखो 6.5 का तोर आ रहा है ना अभी तो भा 9 बार आ तो रहा है 9 का बार आके 3 येलो किलोमीटर 300 रूट 61 किलोमीटर लिख लीजिए भाई दिस इज द डिस्टेंस आफ्टर 1.5 आवर राइट डाउन डिस्टेंस आफ्टर 1.5 आवर इज 300 रूट 61 किलोमीटर 300 रूट 61 किलोमीटर कोई दिक्कत यहां तक आ गया ये 4 जीरो का बाहर आके तो अंदर बचा 225 प्लस 324 कितना आ गया अब इसमें से 9 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है अरे बोलो सब 3 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 361 कल तो अकेले अकेले पार्टी ले ली मेरे को बुलाया था ना नहीं क्या बुलाया था ना जी किसने बोला था सर आपने ग्रे कलर की शर्ट पहन रखी थी हाँ ग्रे कलर की तो किसके साथ आई है किसका फ्रेंड लिस्ट में ये ना फ्रेंड लिस्ट में तो डाले नहीं इंस्टाग्राम देखो भाई अभी लिख ले नहीं तो मैं अभी अच्छी तरह बुला लूंगा तेरे को बुलाना है तेरे को अल्लाह पार्टी तो दूंगा ऐसी पार्टी दूंगा तू भी याद रखियो देखो भाई प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड ऑफ रोम्बस क्वेश्चन नंबर है 7 sides of rhombus is equal to the sum of square of its diagonal of its diagonals बनाओ
Now diagonals of a rhombus bisect each other at diagonals of rhombus bisect मतलब midpoint और right angle दोनों चीज तो यहाँ पर लिखो diagonals of rhombus bisect each other at right angle therefore OA equal to OC equal to AC by 2 and OB equal to OD equal to BD by 2 इतना लिखिए पहले ये काम आएगा अभी OA equal to OC equal to AC by 2 and OB equal to OD equal to BD by 2 बोल diagonals of a rhombus bisect each other at right angle अरे rhombus है तो rhombus ही लिखूंगा ना square थोड़ी लिखूंगा diagonals of a rhombus bisect each other at right angle भाई rhombus को rhombus ही लिख सकते हैं मौलिक को मौली लिख सकते हैं वो अलग बात लेकिन rhombus को तो rhombus ही लिखेंगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते अरे तू लिख ले रहे तो जाएगा मैंने क्या बोला था ज्यादा नहीं बोलना क्लास में नहीं बोलना जितना मस्ती कर रहा है अपन मैं करूंगा उतनी करेगा तू सभी तू नहीं सभी कर और जब मैं सीरियस तू भी सीरियस बिल्कुल इन ट्रायंगल ओएबी बोलो भाई ट्राइंगल OAB पता ट्राइंगल OAB में राइट 90 डिग्री है तो लगा पाइथागोरस करो जोर से बोलना जैसा अभी सुबह बोला था मनी मन में मत बोलना चलो एक चीज तो तेरे को आ ही गई अब तो AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन लिखिए सब इन ट्राइंगल OBC सलेंडर ओबीसी बोल ओबीसी और वैसे इसकी जरूरत नहीं है छोड़ दो लेट भी छोड़ दो बीसी स्क्वायर इक्वल टू बस बस ओबी स्क्वायर ठीक है सेकंड अभी इन ट्राइंगल ओसीडी अभी इन ट्राइंगल हाँ बोलो अंकल सर और डी और डीसी स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर ठीक है कंगना इन ट्रायंगल ओ एडी एडी स्क्वायर इक्वल्स टू ओडी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर ये थर्ड इक्वेशन ये फोर्थ इक्वेशन एट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सबको ऐड कर दो भाई देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओबीडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर प्लस ओए स्क्वायर नाउ दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं टू टाइम्स ऑफ एक सेकंड रुको तो नहीं मुझे भी तो देखने दो मैंने क्या अरे रुक तो जो मेरी अम्मा रुक तो जो हाँ बोल क्या बोल
हाँ हाँ वो तो ठीक है, यहाँ की बात कर लू। चलो इतना लिख लीजिए, अब बेटा OA की जगह क्या लिखोगे बोलो, मौलिक OA की जगह क्या लिखेगा मौलिक बगेरवाल? सर AC/2। AC/2 तो OA को लिखोगे AC/2 का स्क्वायर प्लस OC को भी क्या लिखेंगे AC/2 का प्लस OB को क्या लिखेंगे BD/2 का प्लस BD/2 का, तो ट्वाइस ऑफ AC² / 4 प्लस AC² / 4 प्लस BD² / 4 प्लस BD² / 4 ये आ गया 2AC² / 4 मतलब AC² / 2 तो दिस इज इक्वल टू AC² + BD² यही तो प्रूव करना था कि साइड के स्क्वायर का सम AB² + BC² + CD² + AD² दिस इज इक्वल टू AC² + BD² आ गया। कोई दिक्कत बोलिए, यहां लिख देता हूं। सो देयरफॉर